तो हेलो गाइस, ये साइलेंट सीरीज का एपिसोड 256 का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। अब जैसे ही वीडियो शुरू होता है तभी सीगोर्ड आइलैंड दिखाया जाता है, जहां पर सभी स्रेक्स व्हाइट डेविल शार्क्स के ऊपर सवार होकर पहुंच चुके थे। सीगोर्ड टेम्पल के बाहर सातों पिलर के गार्डियंस सभी स्रेक्स का इंतजार कर रहे थे। सीगोर्ड टेम्पल के चारों ओर मायूसी का मौसम छाया हुआ था। साउलैंड वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट पीक ग्रैंड सोलैंड मास्टर तांगसंग को देखते ही सातों पिलर के गार्डियंस उसके सम्मान में अपना सर झुका लेते हैं। इस खुशी के पल में जहां पे सभी सी गार्डियंस के चेहरे पे मुस्कान होना चाहिए था, वहां पे उन सबका चेहरा मायूसी के कारण उतरा हुआ था। ऊपर चढ़ते हुए सभी स्रेक्स ये तुरंत ही गौर कर लेते हैं कि सेवन पिलर्स के सातों गार्डियंस का चेहरा उतरा हुआ है। ये देखकर सभी स्रेक्स तुरंत ही समझ जाते हैं कि सीगोर्ड आइलैंड में कुछ अनहोनी जरूर घटी है, जिसकी वजह से सी गार्डियंस मायूस है। सीढ़ियां चढ़ते हुए सभी स्रेक्स सीगोर्ड टेम्पल के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां पर सी ड्रैगन मास्टर उन्हें रिसीव करने के लिए खड़े थे। अब सीगोर्ड के वारिस यानी कि तांगसंग को देखते ही सी ड्रैगन मास्टर उसके रेस्पेक्ट में झुक जाते हैं। तांगसंग अपने दोस्तों के साथ सीधा सी ड्रैगन मास्टर के पास जाता है और उन्हें रेस्पेक्ट देते हुए पूछता है, एल्डर सी ड्रैगन मास्टर, सीगोर्ड आइलैंड में क्या हुआ है? आप सभी का चेहरा उतरा हुआ क्यों है? अब इसका जवाब देते हुए सी ड्रैगन मास्टर कहते हैं कि आप इस बात की चिंता ना करें, सीगोर्ड आइलैंड को प्रोटेक्ट करने का हमारा मिशन आपके सीगोर्ड इनहेरिटेंस के साथ खत्म हो जाएगा, इसी कारण हम सभी थोड़े दुखी हैं। सी ड्रैगन मास्टर की बात सुनकर तांगसंग उन सभी की ओर देखते हुए कहता है, सेवन एल्डर्स, भविष्य में चाहे जो भी हो, आप सभी सीगोर्ड आइलैंड के सात पिलर्स की तरह है और ये आइलैंड आपके बिना नहीं चल सकता है। तांगसंग की उदारता को देखते हुए सी ड्रैगन मास्टर उसे आभार प्रकट करते हैं। अब इसी समय ओया वहां पे पहुंच जाती है और तांगसंग को ग्रीट करते हुए कहती है, मास्टर तांगसंग, कृपया आप सभी मेरे साथ चलिए। ओया की बात सुनकर सभी स्रेक्स उसके साथ सीगोर्ड टेम्पल के अंदर जाने लगते हैं। सीगोर्ड टेम्पल के बाहर सी ड्रैगन मास्टर पीट करके खड़े थे और उनके चेहरे में बहुत ही गहरा दुख झलक रहा था। वास्तव में सी ड्रैगन मास्टर अपने रिटायरमेंट को लेकर दुखी नहीं थे, बल्कि उनके दुख का कारण इससे ज्यादा ही बड़ा था। अब सीगोर्ड टेम्पल का दरवाजा बंद होते ही सभी स्रेक्स टेम्पल के अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर जाने के बाद वे सभी ग्राउंड फ्लोर पर रुक जाते हैं। इसके बाद ओया तांगसंग से कहती है कि लॉर्ड बोशाक्षी बहुत ही लंबे समय से आपका इंतजार कर रही है, मास्टर तांगसंग, कृपया आप पहले जाकर उनसे मिल लीजिए। ओया की बात सुनकर तांगसंग अपने दोस्तों की ओर देखता है और उन्हें रुकने का इशारा करके ऊपर चढ़ने लगता है। तांगसंग के जाते ही शाओ की नज़र ओया पर पड़ती है। ओया के मायूस चेहरे पर आंसू बहता देख कर शाओ को डाउट होने लगता है कि हमेशा खुश दिखने वाली ओया आज इतनी ज्यादा उदास क्यों है। टॉप फ्लोर पर सीनियर बोशाक्षी तांगसंग का इंतजार कर रही थी, लेकिन उनका ग्लोरियस लुक बिल्कुल खत्म हो चुका था। तांगसंग सीनियर बोशाक्षी की आभा में फीकापन देखकर चिंतित होते हुए उनके पास पहुंचता है और उन्हें सीनियर कहकर ग्रीट करता है। तांगसंग की आवाज सुनकर बोशाक्षी पीछे मुड़ते हुए कहती है, तांगसंग, तुम आ गए। सीनियर बोशाक्षी के पलटते ही तांगसंग चौंक जाता है। तांगसंग के मेंटल कनेक्शन से जुड़े बाकी स्रेक्स भी सीनियर बोशाक्षी को देख कर चौंक जाते हैं। सीगोर्ड आइलैंड की सबसे खूबसूरत और ग्लोरियस बोशाक्षी अब 70-80 साल की वृद्ध महिला दिख रही थी। उनकी बॉडी का पावरफुल ऑरा कहीं गायब हो गया था। पीक ग्रैंड सोलन मास्टर बोशाक्षी की ऐसी हालत देखकर सभी दंग रह गए थे। शायद सीगोर्ड आइलैंड के मायूसी का यही कारण था। अब वृद्ध हो चुकी बोशाक्षी तांगसंग के पास जाती है और उन्हें एक टुक निहारते हुए कहती है, तांगसंग, तुम्हें वापस देखकर अच्छा लगा। तुम्हारी वजह से मैं तांगचिन से दोबारा मिल पाई और आखिरी बार उनके साथ समय बिता पाई। सीनियर बोशाक्षी के मुंह से आखिरी बार सब सुनकर तांगसंग के आंखों में आंसू आ जाता है। वो समझ जाता है कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर तांगचिन अब इस दुनिया में नहीं रहे और इस दुख के कारण सीनियर बोशाक्षी की हालत ऐसी हो गई है। सीनियर बोशाक्षी तांगसंग में तांगचिन का अक्स देखते हुए उसे सारी घटना बताती है। लेजेंड हाउ तियान मास्टर तांगचिन तांगसंग से अलविदा लेने के बाद सीधा सीगोर्ड आइलैंड पहुंच गए थे और उनके इंतजार में अधीर हो रही खूबसूरत बोशाक्षी को देखकर रुक गए थे और उन्हें एक टक निहार रहे थे। खूबसूरत बोशाक्षी डेमीगॉड तांगचिन को देखकर खुशी से भर जाती हैं और बिना वक्त गवाए उन्हें अपने बाहों में भर लेती हैं।
सीगोर्ड आइलैंड में आने के बाद टैंगचिंग ने अपना सारा वक्त बोसैक्सी के साथ बिताते थे। टैंगचिंग बोसैक्सी के साथ प्यार भरा समय बिताते हुए उन्हें बीती घटना विस्तार से सुनाते हैं। टैंगचिंग बोसैक्सी को बताते हैं कि मैं बहुत ही लंबे वक्त तक स्लॉटर सिटी में खो गया था। अगर टैंगचिंग सीगोर्ड की पावर का इस्तेमाल करके मुझे मेरे अस्तित्व के बारे में याद नहीं दिलाता तो मुझे डर है कि हम इस जीवन में फिर से एक दूसरे को नहीं देख पाते। ये सुनते ही बोसैक्सी उन्हें रिलैक्स फील कराते हुए कहती है कि अब जबकि आप मेरे पास वापस लौट आए हैं तो इंतजार के ये लंबे साल जायज है। अब हम एक साथ और भी अधिक समय बिता सकते हैं। ये सुनकर टैंगचिंग बोसैक्सी से माफी मांगते हुए कहते हैं, बोसैक्सी आई एम सॉरी, मैं तुम्हें अपने जीवन का केवल आखिरी 3 दिन ही दे पाया। इतना कहते ही टैंगचिंग के बॉडी में लाल रंग की बिजली दौड़ने लगती है। ये देखकर बोसैक्सी घबराते हुए कहती है, नहीं ये संभव नहीं है, आपने असुरा गॉड के आखिरी ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है और आपके पास एक डेमी गॉड की बॉडी है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? बोसैक्सी को अधीर होता देखकर टैंगचिंग उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि अत्यधिक जहरीले ब्लड रेड 900 बैट किंग ने मेरे शरीर को अंदर से नष्ट कर दिया था। जब मुझे होश आया तब असुरा गॉड की ह्यूज डिवाइन पावर मेरे शरीर में प्रवेश कर गई, लेकिन अंदर से नष्ट हो चुका मेरा शरीर अचानक इतनी डिवाइन ऊर्जा को सह नहीं पाया और पूरी तरह से ढह गया। शायद यही मेरा भाग्य था। इतना कहते ही टैंगचिंग अपने अंतिम सांसें गिनते हुए बोसैक्सी की गोद में गिर जाते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं। टैंगचिंग का शरीर अंदर से नष्ट हो गया था और अब उनकी आत्मा भी उनका शरीर छोड़ चुका था। अपने टैंगचिंग को इतनी जल्दी प्राण त्यागता देखकर बोसैक्सी बिलख कर रोने लगती है और रोते हुए टैंगचिंग से कहती है, नहीं प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। ये देखकर टैंगचिंग की आत्मा वापस बोसैक्सी के पास आती है और उनके दुख को शांत कराते हुए कहती है कि मैं बिल्कुल एक स्वार्थी व्यक्ति हूँ जिसने तुम्हें व्यर्थ में इतने लंबे समय तक इंतजार करवाया। मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद के कुछ शब्द भी नहीं कह पाया। इतना कहकर टैंगचिंग स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने लगते हैं और बोसैक्सी से अंतिम विदा लेते हुए कहते हैं कि मुझे आशा है कि तुम मुझे भूल जाओगी, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ। तुमसे मिलना और एक दूसरे को समझना मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। इतना कहकर टैंगचिंग की आत्मा स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाती है। सीनियर बोसैक्सी टैंगचिंग के मरने का गम नहीं सह पाती हैं और कई दिनों तक उनके मृत शरीर को सीने से लगाकर रोते रहती है। अपने इकलौते प्यार को खोने के दुख में वे अपना यौवन भी त्याग देती हैं और एक वृद्ध महिला में परिवर्तित हो जाती हैं। साउलैंड की इस दुनिया में टैंगचिंग और बोसैक्सी की अमर प्रेम कहानी का यहीं पे अंत हो जाता है।